सक्सेसफुल हुई नहीं जितना इमरान को आपको था कि ये बहुत अच्छे तो उसकी क्या रीजन थी क्या क्या नहीं था इंटरनेशनल क्या होगा क्या नहीं आने वाला वक्त उस बात का खुलासा करेगा देखें उमर अकबल इस हवाले से क्या कहते हैं मंसूर अख्तर क्या कहते हैं भाई नो डाउट इमरान भाई मैं बड़ा खुश नसीब हूँ इमरान भाई जैसे प्लेयर मुझे लाइक करते थे और इमरान इमरान की एक चीज थी कि इमरान रो, रो, वो चमकते हैं जो खेल की दुनिया में कुछ वक्त ही चमके लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की सुबह की रोशनी में उनका किरदार नुमाया रहा पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसी मुहबत रखने वाली कौम से आने वाला एक ऐसा ही नाम मंसूर अख्तर का है कराची से ताल्लुक रखने वाले मंसूर अख्तर 25 दिसंबर उन्नीस को पैदा हुए सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने 7 फरवरी 1977 को कराची वाइट्स के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में कोयटा के खिलाफ खेलते हुए वहीद मिर्जा के साथ पहली विकेट के लिए 561 सौ रन का आलमी रिकॉर्ड बनाया ये शराकत अब भी पहली विकेट के लिए बेहतरीन शराकत का रिकॉर्ड रखती है जिसे तरतीब देने में इन्हें घंटे लगे थे लेकिन इस बेहतरीन इनिंग के बावजूद उन्होंने तीन सेंचुरियाँ और एक सेंचुरी स्कोर करते हुए बैनवामी सतह पर सिर्फ मामूली कामयाबी हासिल की मंसूर अख्तर ने 19 टेस्ट मैचों की उनतीस इनिंग्स में तीन दफा नॉट आउट रहकर 655 रन स्कोर किए 111 उनका किसी एक इनिंग का सबसे ज्यादा स्कोर रहा जबकि पच्चीस आशारिया एक नौ उनकी फी इनिंग औसत रही मंसूर अख्तर को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1980 में लाहौर के मुकाम पर टेस्ट कैप से नवाजा गया Now, मंसूर अख्तर इस पहले मौके ऐसी हाथर खा फायदा न उठा सके लाहौर और फैसलाबाद के दोनों अवलीन मुकाबलों में वे कोई बड़ी इनिंग न खेल सके उन्नीस सौ इक्यासी में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैरून दौरे आरोप ले जाया गया जहाँ पर्थ में 6 और 36 रन उनके हिस्से में आए उन्नीस में श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज में भी 6 और 23 की बारियां उनकी पर बदतरीन सवाल उठाती रही इस सीजन में पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा किया मंसूर अख्तर ने साइड मैच में तसलसल के साथ रन स्कोर किए और इसी बिना पर उनसे उम्मीद थी कि वो टेस्ट मैचों में भी रन बनाएंगे बर्मिंगम के टेस्ट में उन्होंने अट्ठावन रन के साथ अपनी पहली सेंचुरी बनाई लेकिन वो टीम के किसी काम न आई और पाकिस्तान को 113 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा इंग्लैंड ने दोनों इनिंग में दो और दो रन बनाए पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग में दो रन बना सकी इसमें मंसूर अख्तर ने 28 रन स्कोर किए जो इनिंग का सबसे ज्यादा इंफरादी स्कोर था दूसरी इनिंग में पाकिस्तान को जीतने के लिए 313 सौ रन का हदफ दिया गया मगर सारी टीम एक सौ निन्यानवे पर ही ढेर हो गई। कप्तान इमरान खान पैंसठ के साथ नुमा रहे मंसूर अख्तर बगैर कोई रन बनाए एन बोथम की गेंद पर बॉब टेलर को कैच दे बैठे लॉर्ड्स के अगले टेस्ट में उन्होंने वाहिद इनिंग में सत्तावन रन की बारी खेल डाली इस मैच में पाकिस्तान ने दस विकेटों से कामयाबी हासिल करके बदला उतार दिया उन्नीस के सीजन में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान में उन्होंने कराची टेस्ट में 32 और 26 नॉट आउट रन बनाए ताहम फैसलाबाद के दूसरे टेस्ट में उन्होंने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी का खाता खोला जो उनके टेस्ट करियर की सेंचुरी थी ये फैसला टेस्ट था जिसमें पाकिस्तान ने छह विकेटों पर 501 रन्स बनाकर इनिंग डिक्लेयर कर दी जिसमें मंसूर अख्तर ने 111 रन्स जोड़े थे लाहौर के आखिरी टेस्ट और भारत के खिलाफ होम सीरीज के तीन टेस्ट मैचों में भी उनसे रन न बन सके और वो मौके मिलने आरोप उनसे फायदा उठाना भूल गए इसलिए उन्हें अगले चार साल तक बाहर बैठ कर इंतजार करना पड़ा ऐसा लगता था जैसे सेलेक्टर्स उनको भूल ही गए लेकिन सतासी में जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई तो कप्तान इमरान खान ने उन्हें एक बार फिर टीम के हमरा इंग्लैंड की सरजमीन पर उतारने का फैसला किया। कियाब हूँ मुझे लाइक करते थे मानचेस्टर के पहले टेस्ट में पचहत्तर रन की बारी खेल कर उम्मीद पैदा हुई की इस बार वो गुजश्ता दौरे का दाग धोएंगे इंग्लैंड के चार सौ सैतालीस रन के जवाब में पाकिस्तान ने सिर्फ एक सौ चालीस रन ही बनाए थे कि मैच ड्रॉ हो गया मंसूर अख्तर के पचहत्तर रन एक सौ बयासी गेंदों पर वजूद में आए इसके अलावा उन्होंने उनतीस छब्बीस सत्रह और पांच रन ही स्कोर किए इस लिहाज से उनका खेल इंतहाई मायूस कौन था जिसकी वजह से एक बार फिर उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया और फिर तीन साल के बाद उन्नीस में उनका एक बार फिर किस्मत का सितारा चमका और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के दौरे में टीम में तलब किया गया अगर मेलबर्न के वाह टेस्ट में शिरकत उनका आखिरी टेस्ट साबित हुआ जहां उन्होंने पाँच और चौदह रन बनाने के अलावा दो कैचेस भी लेकर अपने टेस्ट करियर का अखता किया मंसूर अख्तर ने इकतालीस एक, एक रोजा बेन अवी मैचों की पैंतीस इनिंग्स में एक मरतबा नॉट आउट रहकर पाँच सौ तिरानवे रन का मजमु हासिल किया रतना आशारिया चार चार की औसत ऐसी बनने वाले इन रनों में उन्तालीस उनका किसी एक इनिंग का सबसे ज्यादा स्कोर था मंसूर अख्तर को एक रोजा मुकाबलों के लिए भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही उन्नीस सौ अस्सी में टीम का हिस्सा बनाया गया था उनका एक रोजा करियर भी मिली जुली कारकरी के मुजहये नजर आता है उन्होंने इकतालीस मैच खेल कर भी कोई बड़ी इनिंग टीम के नहीं की अपने पहले मैच में उन्होंने 24 रन बनाए इसके बाद 1981 में इक्यासी एंड हेजिस ट्रॉफी एंगुलर टूर्नामेंट के छह मैचों में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो बारह पाँच तेरह चालीस और चार रन की इनिंग तक ही रसाई मिल सकी 40 रन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी के पर बनाए थे जिसमें चार चौके शामिल थे लेकिन मैच पाकिस्तान की छत्तर रन की शिकस्त पर खत्म हुआ उन्नीस में श्रीलंका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में कराची के मुकाम पर उनकी 31 रन की अहम इनिंग सामने आई इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में 28 रन की भी एक बारी देखने को मिली जबकि भारत के खिलाफ उन्नीस में गुजरावाला वाला में 21 नाकाबले शिकस्त रन भी टीम को हासिल हुए उन्नीस के बेंसन हेजिस ट्रॉफी एंगुलर टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 33 और वेस्टइंडीज के खिलाफ 32 ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सैंतालीस रन की बारियाँ ही उनकी कारकर्दगी में नुमाया नंबर है उन्नीस सौ सतासी के चौथे आलमी कप मुकाबलों में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ उनतीस और फैसलाबाद में तैतीस रन स्कोर किए उन्नीस सौ नब्बे में मेलबर्न के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बत्तीस रन उनकी नाकाबले जिक्र बारियाँ थी यूँ उनका एक रोजा बेन अवी करियर भी अपने अहतम को पहुँचा जबकि दो सौ चालीस फर्स्ट क्लास मैचों की चार सौ एक इनिंग में पैंतीस मरतबा नॉट आउट रहकर उन्होंने तेरह हजार आठ सौ चार रन सैतीस आशारिया सात एक की औसत से बनाए जिसमें 224 सौ चौबीस नाकाबले शिकस्त रन उनकी किसी एक इनिंग का सबसे बड़ा इंफरादी स्कोर रहा जबकि 28 सेंचुरिया और उनहत्तर सेंचुरिया उनकी बैटिंग का चमत्कार थी मंसूर अख्तर ने एक रोजा मुकाबलों में दो और फर्स्ट क्लास मैचों में 25 विकटे भी हासिल की अगरचा उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट और वनडे उन्नीस में खेला लेकिन उन्होंने उन्नीस सौ तक यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना जारी रखा वो एक दहाई ऐसी अरसे तक यूनाइटेड बैंक के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सरबराबी रहे अगस्त 2019 को मंसूर अख्तर भारत से ताल्लुक रखने वाले रमेश गुप्ता नामी एक शख्स के साथ एक तनाजे में मुलवस हो गए उन पर इल्जाम लगाया गया था की उन्होंने टी ग्लोबल कैनेडा टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी उमर अकमल ऐसी मैच फिक्सिंग के लिए रहा किया होगा क्या नहीं आने वाला वक्त उस बात का खुलासा उमर उमर से क्या कहते क्या कहते कहते हैं हैं मंसूर अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टूर्नामेंट के हुक्म से रजू करने की इतला दी एंटी करप्शन हुक्म ने तमाम शरीक टीमों को अख्तर और रमेश गुप्ता से दूर रहने की हिदायत की मंसूर अख्तर ने उमर अकमल से मुलाकात का अहतराफ किया ताहम फिक्सिंग के इल्जाम को तस्लीम नहीं किया कुछ अर्से बाद ये इल्जाम पी सी बी की जानब ऐसी मुस्तरद कर दिए गए अगरचे क्रिकेट की दुनिया में वो लाइम लाइट में ज्यादा देर न रह सके लेकिन तवील वक्त गुजरने के बावजूद क्रिकेट के शायक के दिलों आरोप उनकी छाप हमेशा ऐसी कायम है खेल की तारीख उनकी भरपूर काविश को याद रखे हुए है लार्ज स्पोर्ट्स की इस वीडियो ऐसी फिलवक्त इतना ही मजीद वीडियो के लिए जुड़े रही है लाज स्पोर्ट्स के साथ